कोई भी ये वाकई नहीं जानता कि वो सही काम कर रहा है या गलत। जिन्हें लगता है वे हमेशा सही हैं, वे भयानक लोग हैं। जब आप ठीक ठाक रूप से संतुलित हों, कोई निर्णय लीजिए और अपना जीवन उसमें लगाइए, कुछ शानदार होगा। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम निर्णय लेते हैं तो हमेशा एक सही निर्णय होता है और एक गलत। निर्णय सही था या गलत, ये बाद में ही पता चलता है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा निर्णय सही था या मैं सही निर्णय ले रहा हूँ या गलत? लेकिन आप प्रश्न क्यों कॉपी कर रहे हैं? वो मेरे दिमाग में था तो मैंने लिख दिया। नहीं नहीं, मेरी परीक्षाओं में कभी इतनी रुचि नहीं थी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन मैंने देखा जब मैं कॉलेज में था, बहुत से लोग अपनी आस्तीन में यहाँ वहाँ हर जगह लिख कर लाते थे और हर तरह की पर्चियाँ वगैरह, लेकिन वे सभी उत्तर कॉपी करते थे। प्रश्न आप तभी कॉपी करते हैं। नहीं नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि यह चीज हर जगह है, क्योंकि आप अपने भीतर इतना संघर्ष पैदा कर लेते हैं हर छोटी चीज के बारे में कि आप सोचते हैं कि आप हमेशा कुछ गलत कर देंगे, कुछ गलत हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। Well, joyfully do something wrong, it's okay. ठीक है, खुशी खुशी कुछ गलत कीजिए, ये ठीक है। हेलो, कोई नहीं जानता कि वे सही काम कर रहे हैं या गलत। क्या वे जानते हैं 100%? नहीं। तो खुद को ज्यादा परेशान मत कीजिए कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। बस जब आप कुछ करें तो ये देखिए, क्या इससे मुझे और मेरे आसपास के लोगों को खुशहाली मिलेगी। आपके लिए बस यही महत्वपूर्ण होना चाहिए। जो लोग सोचते हैं वे हमेशा सही हैं, वे भयानक लोग हैं। ऐसा करने से तानाशाह पैदा होते हैं। मैं हमेशा सही होता हूं, मैंने जीवन में सभी सही निर्णय लिए, ये तानाशाह है, ये इंसान नहीं है। जो हर चीज सही करता है वो एक बदसूरत इंसान बन जाता है। आपको सही चीजें करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़े ज्यादा इंसान बनिए। बस ये सुनिश्चित कीजिए कि जब आप कुछ करते हैं तो ये आपके और आसपास के सभी के लिए अच्छा है। क्या वो सही है या गलत, कौन तय करेगा? अगर ये सभी को खुशहाली देता है तो ये सही है ना? कोई तय नहीं कर सकता कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि हजारों सालों से लोग उन्हीं चीजों पर बहस करते रहे हैं और कोई भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा है कि सही क्या है और गलत क्या है। और जिन लोगों को विश्वास है कि वे सही चीजें कर रहे हैं, उन्होंने हमेशा एक दूसरे के लिए सबसे भयंकर चीजें की हैं, हमेशा। तो सही और गलत देखने के बजाय, जो उस नैतिकता का परिणाम है जिसमें आप विश्वास करते हैं, आप अपने भीतर मानवता को क्यों नहीं जगाते? आप एक जीवित मानवता क्यों नहीं बनते? मानवता का मतलब बस ये है, हमने इसी के बारे में अभी बात की। पशु प्रकृति का मतलब है सीमाएं बनाना, इंसानी प्रकृति का मतलब है सीमाओं को फैलाना या हर किसी को अपनी सीमाओं में शामिल करना, क्योंकि यही स्वाभाविक चाहत है। आप जहां भी हैं, आप उससे ज्यादा कुछ बनना चाहते हैं, ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि आपकी बुद्धि ऐसे स्तर पर पहुंच गई है जहां इसे सीमाएं पसंद नहीं है, ये फैलना चाहती है। यही इंसानी प्रकृति है। इंसानी प्रकृति कुदरती रूप से सम्मिलित करती है, पशु प्रकृति अलग करती है, वो सीमाएं तय करना चाहती है। तो सही और गलत की सीमाओं में होने के बजाय, अगर कोई गलत भी हो तो उसे खुद में शामिल करके हम जो सबसे अच्छा कर सकते हैं करें। क्योंकि जिस पल आप सोचते हैं कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, आपको जीवन में हर कोई गलत लगेगा। देखिए, इसे ईमानदारी से देखिए, ज्यादातर लोग इस स्थिति में हैं, उनके अलावा हर कोई कहीं ना कहीं गलती कर रहा है। अगर सभी गलत हैं और सिर्फ आप ही सही हैं तो ये पागलपन का संकेत है, ये सही होने का संकेत नहीं है। तो अपना समय सही निर्णय और गलत निर्णय में मत गंवाइए। जब आप ठीक ठाक रूप से संतुलित और स्पष्ट हों और खुश हों, ना कि किसी चीज से परेशान हो, तब कोई निर्णय लीजिए और अपना जीवन उसमें लगाइए, कुछ शानदार होगा। शायद आप सही चीज ना करें, पर शायद आप एक महान चीज करें, आप शायद एक शानदार काम करें, इतना काफी है। मैं कितनी दूर जाऊंगा, क्या होगा, ये बहुत सी चीजों पर निर्भर करता है, आपकी बुद्धि, आपकी क्षमता और वो समय जिसमें आप जी रहे हैं। आपको आज के समय को अनदेखा नहीं करना चाहिए। इतिहास के अलग अलग समय में अलग अलग चीजें सफल होती हैं। शायद हम उसके तालमेल में हों, हम जो हैं शायद उसकी तारीफ आज होगी या शायद उसकी तारीफ कल होगी या शायद उसकी तारीफ हमारे जाने के बाद होगी, लेकिन हमने जो भी अपने जीवन में किया वो हमने पूरी भागीदारी से किया, क्योंकि जीवन भागीदारी में ही है।
जीवन सही होने में नहीं है। आपकी भागीदारी में रुकावट नहीं आनी चाहिए। जो भी आप करें, ये देखिए कि इसमें सभी की खुशहाली कैसे शामिल है। अगर आप सबको खुद में शामिल करते हैं और भागीदारी दिखाते हैं तो ये ठीक है। क्या मैं सही हूं या गलत, सही या गलत, अपने जीवन के आखिरी दिन तक आप ये वाकई तय नहीं कर सकते कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि हमेशा कुछ अन्य लोग होंगे जो कहेंगे ये गलत है ना।